राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे। ये रुमाल से बनाई हुई ड्रेस है। ये हमारे 4 नंबर कान्हा जी हैं। आप इस ड्रेस को 5 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं, 4 से 5 नंबर कान्हा जी को। ये देखिए, पहनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी हमारी कान्हा जी पे। और इसे बनाना भी बड़ा आसान है, इसे इजीली आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये बचे हुए फैब्रिक से हमने पगड़ी बना ली थी। ये देखिए, हमने रुमाल लिया है। रुमाल की लंबाई चौड़ाई 10 इंच है। अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए, एक फोल्ड और करेंगे, इसे ऐसे रखेंगे और यहाँ से स्केल को ऐसे रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसी लाइन पे इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, बचे हुए फैब्रिक को साइड में रखेंगे और ये जो जॉइंट है इनको कट कर लेंगे। ये देखिए, अब एक पीस को लेंगे और इसे ऐसे, ये देखिए, इस तरीके से प्लेट बनाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, एक पीसेस पे हमने बना दिए। अब एक और पीसेस लेंगे और इसमें भी ऐसे ही सेम बना देंगे, छोटी छोटी प्लेट है। अब इनके जो साइडों से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे और ऐसे सेम जो 2 पीसेस और हैं उनको भी ऐसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इन दोनों को, तो ये देखिए हमने 4 पीसेस को स्टिच कर लिया है। अब 2 को साइड में रखेंगे और यहाँ से इनकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखे। ये देखिए, 1 से 1.5 इंच के बीच सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम बाकी पीसेस को भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इन 4 को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच चौड़ी सीधी पट्टी निकालेंगे। ये देखिए, ये 1.5 इंच चौड़े में एक पट्टी सीधी कट करनी है और ये किसी की साइज की एक और कट करेंगे। अब इन दोनों पट्टियों को ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, इन दोनों को ऐसे मिला के ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे यहाँ पर रखेंगे, इसके ऊपर इसे रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर डोरी स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, डोरी को ऐसे पहले यहाँ से फोल्ड करेंगे, फिर एक फोल्ड करके, ये देखिए, डोरी को रख के फिर एक फोल्ड और करके इसे स्टिच कर लेंगे। डोरी को नहीं सिलना, डोरी को बचा के सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा हुआ था इसे ऐसे मोड़ के, और ये देखिए, यहाँ से अच्छे से सिलाई को लॉक कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे साइड में रखेंगे और ये देखिए, इसमें से एक सीधी पट्टी लेंगे। तो ये देखिए, इसकी लंबाई 7 इंच है, तो हमें यहाँ से 2 इंच की एक सीधी पट्टी लेंगे।
ये देखिए, अब इसे डबल करेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ रख के इसे सीधी सिलाई चलाएंगे। किसी पैन की मदद से ऐसे इसे बाहर की तरफ पलट लेंगे। देखिए ये देखिए, आप चाहे तो इसमें प्रेस लगा सकते हैं। अब इसे ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ से थोड़ा स्टिच कर लेंगे। ये देखिए स्टिच कर लिया है। अब इसे ऐसे रखेंगे और इसे डबल करेंगे यहाँ से बराबर, बीच का सेंटर निकाल के यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे। डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए अभी हमारी ड्रेस बन गई है। ये जो हमारे पास बचा हुआ पीस था 1.5 इंच चौड़ाई में, इसे हमने स्टिच करके ये देखिए अपने कान्हा जी का पगड़ी का साइज लेके इस तरीके से इसे फोल्ड करके यहाँ से स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ड्रेस को पहना के हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था। गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे।